महाराष्ट्र में तो भाजपा को 132 सीटें है और 8-10 सीटें जुगाड़ करना भाजपा के लिए बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन लेकिन महाराष्ट्र में सहकार सरकार बनी भी, लेकिन लेकिन केंद्र इम्पोर्टेंट है, इसलिए शिंदे जी की बात को तवज्जो दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी को मनाने के लिए शपथ विधि का सोहरा लेट हो रहा है। बहुत बड़ी खबर आज की, एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय और MRDA मुंबई का जो खजाना कहा जाता है ऐसे मंत्रालय चाहिए, और सूत्रों के हवाले बहुत बड़ी खबर। अभी ये आज का दिन महायुति के लिए बहुत बड़ा दिन है, और आज ही शाम तक पता चलेगा कि सरकार का शपथ विधि सोहरा कब होता है। आपके दर्शकों के लिए न्यूज बताता हूँ जो ज्यादा मीडिया में आई नहीं है। उन्होंने बीजेपी के लीडरशिप को एक मुकेश जी ऑफर दिया, शिंदे जी ने, कि 3-4 महीने में 6 महीने में मुंबई महापालिका, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नवी मुंबई वगैरह के चुनाव जो है उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, और अभी जो मोमेंटम महाविकास आघाड़ी को महायुति को मिला है वो मोमेंटम देखते हुए वो कायम रखना है। और ये सब नगर परिषद वगैरह के चुनाव है, जिला परिषद के भी चुनाव है, 25 जिला परिषद के चुनाव है महाराष्ट्र में, उसकी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आप मुझे 6 महीने तक चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे कायम रखिए। तो एक ऐसा ऑफर उन्होंने दिया कि मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। अभी जिम्मेदारी इस शब्द में क्या क्या आता है हमारे दर्शक जो होशियार है सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं ये सब करके देता हूँ। तो इसकी वजह से बीजेपी का लीडरशिप, दिल्ली की लीडरशिप जो है थोड़ी सी दुविधा में हो गई, ऐसा हमें पता चल रहा है कि वो थोड़ा सोचने लग गए। 2 दिन उन्होंने सोचा कि ये क्या बोल रहे हैं और क्या कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं बीजेपी ही कंट्रोल लेगी और बीजेपी के ही मुख्यमंत्री बनेंगे, जो कि पहले से ही उन्होंने तय किया था। जैसे ही दादागिरी पर उतर आई है, क्या उसे लग रहा है कि अब बाकी के दोनों दल उसकी मेहरबानी पर है और वो उन्हें जो दे रही है उसे स्वीकार करके उसकी सरकार बननी चाहिए, या फिर दोनों दल खासतौर पर एकनाथ शिंदे जरूरत से ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा सौदेबाजी कर रहे हैं जिसकी वजह से ये स्थिति पैदा हो रही है, या फिर ये सारा एक ड्रामा है जो कि एक मैसेजिंग के लिए किया जा रहा है, महाराष्ट्र के मतदाताओं को एक संदेश दिया जा रहा है शिंदे की तरफ से कि वो पूरी तरह से नतमस्तक नहीं हुए हैं बीजेपी के सामने, क्योंकि अगर वो ऐसा न करें तो उद्धव ठाकरे इसका फायदा उठाएंगे और वो उठाते हुए दिख भी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शिंदे किस तरह से दिल्ली दरबार के सामने नतमस्तक हो गए हैं। बहरहाल ये तमाम चीजें हैं, तमाम सवाल हैं, और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिरकार ये सरकार बनेगी कब, शपथ ग्रहण समारोह होगा कब। और इन सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं, पहले मैं आपका उनसे परिचय करा देता हूं। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, हमारे साथ रोहित चंदावरकर जी हैं और सुधीर सूर्यवंशी जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रोहित जी, आपसे बात शुरू करते हैं। ये एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई, शिंदे नाराज होकर रूट कर चले गए अपने गांव, मीटिंग होनी थी वो कैंसिल हो गई, कहा गया कि शिंदे की तबीयत खराब है। ये तबीयत ऐसे मौके पर खराब होना, मतलब इसके मैसेज को दूसरे ही निकलते हैं, तो क्या हो रहा है, क्या लग रहा है? मुकेश जी, शिंदे जी की तबीयत ऐसे बीच बीच में 2-3 बार खराब हो गई थी, और कभी कभी अजीत पवार की भी तबीयत खराब होती थी। पिछले 2.5 साल जब महाराष्ट्र में बीजेपी प्रणित महायुति की सरकार चलती थी तब, तो ये तबीयत खराब हुई है या और कुछ है हम लोग जानते हैं, इसको पहले से देखा हुआ है। बात यह है कि पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं कि ये कब बनेगी, तो अभी बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में सरकार बनेगी 2 तारीख को, 2 दिसंबर के दिन शपथ विधि होगा, स्वेरिंग इन होगा, ऐसे अभी बताया जा रहा है। अभी इसमें फिर से कुछ बदलाव आ सकता है, नहीं आ सकता है, पता नहीं क्या है, लेकिन देश भर के आपके जो दर्शक है उनके लिए बता दूं कि 2 तारीख को ये हो रहा है। उसके बाद आपने जो पहले जो नरेशन किया उसमें काफी दिलचस्प चीजें आपने कही, और वो हो भी रही है महाराष्ट्र में कि ये अचानक से क्या हो गया। अभी तक तो लग रहा था कि महायुति एकदम साथ साथ है और एक दूसरे के साथ एकदम गठबंधन जुड़ा हुआ है, और वो तो सरकार बनाएंगे, जल्दी से बनाएंगे और काम शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि जैसे ही अंदाजा आ गया